अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और खुश हूँ। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आबाद रखे। तो सबसे पहले मैं अपने एक सब्सक्राइबर का जवाब, मतलब रिप्लाई करने लगी हूँ उनकी बात का, कि मेरे लास्ट वाले व्लॉग में मेरी वॉइस बड़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। ऐसी कोई माय डियर सब्सक्राइबर, ऐसा कोई मसला नहीं था, मैं डिसअपॉइंट नहीं थी एक्चुअली। मैं ना कल सुबह जब नाश्ते के बाद यहाँ से चले जाते हैं ना, तो जो मैं सोती हूँ ना, वो सोई नहीं थी। मुझे ये था कि बच्चे सो रहे हैं तो चलो मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, लेकिन जब मैंने वो वॉइस ओवर कर लिया और मैंने वीडियो एक्सपोर्ट कर दी बगैर सुने ही ना, तो उसी तरह से फिर शाम में मैंने अपलोड कर दी। जब अपलोड कर दी तो मैंने खुद भी सुनी, तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हुई कि मेरी आवाज़ इस तरह से क्यों है। हालांकि ऐसा कोई मसला नहीं था, आप नहीं परेशान हो, मैं खुश हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता से खुद ही प्रोग्रेस हो जाएगी मेरे चैनल पे, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अल्लाह ताला ने इतने अच्छे अच्छे से सब्सक्राइबर्स मुझे दिए हैं और इंशाल्लाह मज़ीद भी मुझे सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। और दूसरी बात ये कि मेरी वॉइस इतनी अच्छी से इसलिए नहीं आती है, एक तो मेरा गला नहीं ठीक हो रहा, पता नहीं क्या हो गया, एक महीने से ज़्यादा हो गया मेरा गला ठीक होता ही नहीं है। पता नहीं, ज़्यादा बोलती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, उसमें ज़्यादा बोलना होता है ना, तो बोलने से शायद मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और दूसरा, मैंने आपको 1 वीक पहले बताया ना, मेरा माइक मिसप्लेस हो गया, मैंने अभी नया नहीं लिया और मुझे याद आ गया था वो मेरा माइक किस तरह से मिसप्लेस हुआ था। वो ऐसा हुआ था, मैं वॉइस ओवर करके ना फ़ोन अपना डाइनिंग पे रख के, तो हाथ में मतलब ये फ़ोन की जो लूप लगती थी वो मैंने पकड़ ली उतार के, और माइक मेरा यहाँ दुपट्टे के साथ हैंग वो हुआ था, वो भी मैंने उतार लिया। तो बस किचन में गई और ना ये प्याज और लहसुन के छिलके वगैरह यहाँ शेल्फ़ पे पड़े हुए थे, तो बस उसी के साथ पकड़ के ना मैंने डस्टबिन में वो फेंक दिया। मुझे ऐसे ही कुछ याद आ रहा है, मुझे लगता है मैंने उसी में फेंक दिया, क्योंकि एक हफ़्ता हो गया मुझे मिल नहीं रहा ना, और उन दिनों तो बच्चे भी घर नहीं थे, मतलब बदल लोग घर नहीं थे, नहीं तो बच्चे इधर उधर ले जाते हैं ऊपर नीचे ऐसी चीज़ें, लेकिन वो बच्चे भी घर नहीं थे। और आयशा और मोहम्मद कासिम ना ऐसा नहीं करते हैं, वो जिधर की चीज़ होती है ना, मतलब मेरी जो चीज़ जिधर पड़ी होती है वहीं पड़ी रहने देते हैं। है, चलें अब यहाँ व्लॉग की तरफ आते हैं। व्लॉग मैंने शुरू किया था मॉर्निंग से, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से। यासिर के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने, ऑमलेट स्लाइस और साथ में मिल्क शेक, और उसके बाद मैंने वो ही वाला कल वाला वॉइस ओवर कर लिया था। वॉइस ओवर करने के बाद मैंने थोड़ी देर बस लेटी थी, सोया नहीं गया था, और फिर बच्चे उठ के थे, बच्चों के लिए मैंने पहले मिल्क शेक बना लिया था। मिल्क शेक के बाद इन लोगों ने होमवर्क कर लिया था, इज़ूर मोहम्मद कासिम ने, और उसके बाद फिर मैंने पराठे बना लिए थे, ऑमलेट, और साथ में आयरा और आयशा ना मोस्टली स्लाइस और मतलब चाय के साथ स्लाइस ले लेती हैं, उन्होंने वो खा लिया था। बस अब आयशा नहाने चली गई थी, मतलब वॉशरूम में ना ये काफ़ी देर तक नहाती रहती है, गर्मी इतनी ज़्यादा ना, तो मैं फिर इसे मना भी नहीं करती। ना आके आई तो आयरा ने ना फ्राइज़ बना लिए हुए थे, तो आयशा इतनी ज़्यादा खुश हुई कि थैंक यू अप्पा, इतना प्यारा थैंक्स कहती है हमें ना किसी भी बात के लिए, कोई भी चीज़ इसे दें। या इसे कुछ दिनों बाद भी याद आए ना कि बाबा या मामा मेरे लिए ये लाए हैं, तो इतनी खुश होती है कि थैंक यू कहने लग जाती है। रात को भी ऐसा हुआ कि मेरे साथ नमाज़ पढ़ रही ना, तो वही जाय नमाज और स्काफ इसका लाए हुए हैं ना हम लोग, तो नमाज़ पढ़ के ना बाबा को एकदम से हक कर रही थी, तो साथ कह रही थी थैंक यू बाबा। तो ऐसे कहते हैं किस चीज़ के लिए आप मुझे थैंक्स कह रही हो, तो कहती है आप मेरे लिए नमाज लाए हैं ना। जाय नमाज को ना नमाज कहती है, तो माशाल्लाह इस तरह से ये करती है। और साथ में ये देखें, फिर ये इज़ू और कासिम ट्यूशन से वापस आ गए थे और ये शिकंजवी बना रही थी, शिकंजबीन कहते हैं इसे, वैसे आम तौर पर इसे शिकंजवी कहते हैं, आप पता नहीं अब क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो लीमू पानी यानी के ये हम लोगों ने पी लिया था। और आज पहले से ही हम लोगों ने प्लान कर लिया हुआ था कि हम बीफ पैटी बर्गर बनाएंगे, तो इस वजह से मैंने कीमे को डिफ्रॉस्ट कर लिया हुआ था, पहले से फ्रीज़र से निकाल के रख दिया हुआ था। और ये बर्गर में मतलब बर्गर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, चीज़ पड़ी तो ही थी लेकिन कम थी, तो ये मैंने और मंगवा ली थी। साथ में ये मुझे बटर चाहिए था, ब्लू यासिर लाए तो यासिर ब्लू बैंड नहीं लाते, यासिर कहते होते हैं कि ये बटर नहीं है, यासिर वो नूरपुर का लाते हैं या कोई और ले आते हैं, तो लेकिन ये ना मोहम्मद कासिम और फरहान लेके आए थे, तो फिर ये ब्लू बैंड ही ले आए थे, मैंने ये यूज़ कर लिया था। उसके बाद ये बर्गर बन ले आए थे, आटा भी आने वाला था,
वो भी ले आए हैं, आटा ना वाइट वाला ले आए हैं, क्योंकि जब से वो गंदम का आटा हुआ था ना तो आयरा सही तरह से खाना नहीं खा रही थी, अब वो ख़त्म हुआ ना तो मैंने फिर ये सनरिच का वाइट वाला ही मंगवा लिया कि किसी तरह आयरा खाना खा ले। तो बस यहाँ देखें जी, ये हम लोग इसकी मैरिनेशन करते हैं। ये पैटी बनाने के लिए मैंने 1 किलो कीमा ले लिया था। इंग्रेडिएंट्स और इनकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में डिफ़ाइन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा और रेसिपी आप लोग यहाँ से फॉलो करें। तो ये देखें, चलें अब पहले ये सॉस बना लेते हैं। ये जो हमने बर्गर के लिए सॉस बनानी है, इसमें विनेगर डाल लेना 3 टेबलस्पून, और साथ में ही ना इसके पानी ऐड कर लेना है। वो मतलब इधर नहीं, मैंने वीडियो में नहीं रिकॉर्ड कर सकी, तो मतलब ये 3 टेबलस्पून विनेगर के साथ ही ना 1/2 कप पानी डाल लेना है, और उसमें ना ये चिली फ्लेक्स ऐड कर लेनी है और उसे 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। अब ये कीमे में मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया है, और 1 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस और 1 टेबलस्पून वर्स्टरशायर सॉस, ठीक है, ये तीनों चीज़ें ऐड कर लेनी है। और 1 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर ऐड कर लिया था, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप लोगों ने इसमें सॉल्ट ऐड कर लेना है। सॉल्ट इसमें ज़रा कम ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब हम इसे फ्राई कर रहे होंगे ना ये पैटी को, तो इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ना सॉल्ट, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। वो मैं फ्राई करते हुए आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से आपने सॉल्ट को स्प्रिंकल करना है। बस ये कीमे में चीज़ें मिक्स करते ही ना मैंने ये पैटी बनाने शुरू कर दिए थे, साथ भी फ्राई कर लिए थे, शैलो फ्राई इन्हें करना है। तो तवे पे मैंने ऑयल डाल लिया था और बस इन्हें तवे पे रख के तो इनके ऊपर से ना फिर वो सॉल्ट को स्प्रिंकल कर दिया था। 5 से 10 मिनट में हमारे पैटी भी फ्राई हो गए थे। मैंने ना 8 बर्गर्स बनाए थे, और 8 बर्गर्स की रेसिपी ना मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, मतलब इंग्रेडिएंट्स भी ना 1 किलो कीमे के 8 पैटी बनते हैं। ओके, यहाँ देखें मैंने स्प्रिंकल किया है ना अभी सॉल्ट, इसी तरह आप लोगों ने करना है। और ये देखें ये चिलीज ना ड्राई हो गई हुई थी, इसमें सिरका और पानी ड्राई हो गया था, तो बस अब इसमें मैंने ना क्रीम ऐड कर ली थी। क्रीम 100 ml ऐड करनी है, मतलब ये एक जो पाउच होता है ना ऑलपर्स की क्रीम का, या कोई सी भी जो आप यूज़ करते हैं, वो 1/2 पैक इसमें ऐड कर लेना है। और उसमें चिकन पाउडर ऐड कर लिया था, तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, 1 मिनट के लिए पकाया इसे, और साथ में एक मैंने चीज़ स्लाइस ऐड कर लिया था। इसमें वैसे तो सॉल्ट भी ऐड होता है, लेकिन मैं सॉल्ट इसलिए ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि चिकन पाउडर में भी सॉल्ट होता है, चीज़ में भी सॉल्ट होता है, तो इसलिए ना मैं मोस्टली सॉल्ट नहीं यूज़ करती हूँ, ना ही मैंने इधर किया था। अब यहाँ हम यहाँ ऑनियंस को कैरमलाइज्ड करना है, और इसे कैरमलाइज्ड करने का तरीका सिंपल है। ये बटर हमने ले लेना है, मैंने 2 टेबलस्पून बटर ले लिया था, और उसमें 2 लार्ज साइज़ के ऑनियंस को कैरमलाइज्ड कर लिया था। और मतलब तरीका तो इसका यही है, लेकिन मैं ना इसमें थोड़ी सी चीनी ज़रूर ऐड करती हूँ। लेकिन अगर आप लोग चीनी नहीं भी ऐड करेंगे ना तो वो भी ठीक है, क्योंकि प्याज में ना वैसे भी शुगर होती है, आपको पता है ना प्याज मीठा मीठा होता है, उसमें चीनी हम नहीं भी ऐड करते ना वो बटर के साथ थोड़ी देर पकाने से ना कैरमलाइज्ड हो जाता है। आज ना मेरा भी यही प्रोग्राम था, मैं सिर्फ बटर में ना ये ऑनियंस को पका लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे आयरा कहती है मम्मा आपने शुगर नहीं ऐड करनी, क्योंकि मैं जब पहले बर्गर्स बनाती हूँ ना, तो मतलब पैटी बर्गर जो कैंडेंस के हैं हम वो भी बनाए ना, तो उसके लिए भी ऑनियंस अगर हम कैरमलाइज्ड करें ना तो अंदर शुगर ऐड करते हैं। तो आयरा को याद था कि मम्मा ना इसमें चीनी डालती हैं, तो यहाँ मैं जब बना रही थी, देखें ये 2 चम्मच मेरे और आयरा का एक एक आयरा पास ही थी, तो मैंने कहा चलें आयरा ने कहा तो मैं चीनी डाल लेती हूँ, पहले भी वैसे मैं डालती हूँ और मैंने ये यहाँ भी डाल दी थी। अब हम बर्गर के फाइनल टच की तरफ आते हैं, बन गरम कर लेते हैं। बन मैंने ग्रिल पैन में गरम किए थे, अगर आप लोगों के पास ग्रिल पैन अवेलेबल नहीं है तो नो इशू, आप लोग तवे पे गरम कर लें, मेरे पास था तो मैंने इसमें गरम कर लिए, क्योंकि ज़रा देखने में अच्छी चीज़ लगे तो खाने में भी अच्छी लगती है। व्यूवर्स प्रेजेंटेशन इतनी मैटर करती है ना, आप लोग जब भी कोई खाना बनाते हैं, किसी को भी सर्व करते हैं ना, तो उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, मेरा तो ये है। अगर हम जितना मर्जी मज़े का खाना बना लें और बिल्कुल सिंपल वे से हम लोग सर्व कर लेना, तो मेरे ख्याल में वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इसलिए ग्रिल पैन में गर्म किया था कि ये देखें ना, इस पर जब ये लाइंस आती हैं ना, तो ये बर्गर्स प्यारे लगते हैं, ग्रिल बर्गर्स लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी रेडी थी, अब इसकी ज़िंगलिंग करनी है हमने।
यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने जो ये क्रीम बनाई थी, ये चिली फ्लेक्स और क्रीम का जो मिक्सचर था वो मैंने बन में लगा लिया था, उसके ऊपर पैटी रख दिया था और उसके ऊपर चीज़ स्लाइस। अब मैं इसके ऊपर वो कैमलाइज्ड ऑनियंस रख दूँगी और साथ में टमाटो और ये लेटस रख दूँगी। लेटस अवेलेबल नहीं है तो आप लोग कैबेज भी रख सकते हैं। आप लोग ज़रूर ये बर्गर ट्राई कीजिएगा। आजकल तो सबके पास कुर्बानी का ये कीमा पड़ा ही होगा ना, क्योंकि हम लोग अपना हिस्सा रखते ही हैं ना ईद पे। तो मैं तो कीमा ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि कीमा बच्चे ज़रा शौक़ से खा लेते हैं और एक दो तरीके से मैं बना लेती हूँ और इस तरह से बच्चों को खिला देती हूँ। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और सब अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर भी कर दें। हमारा ना आज का प्रोग्राम था कि हम लोगों ने स्विमिंग के लिए जाना था। मैंने आप लोगों से एक दो दिन पहले ये बात शेयर की थी ना कि हम लोगों ने एक फार्म हाउस है, उधर स्विमिंग पूल है, तो हम हर साल ना एक दफ़ा सारी फैमिली ज़रूर जाते हैं, बच्चे इतना एंजॉय करते हैं। तो बस हमने आज वहाँ जाना था, लेकिन बारिशें शुरू हो गई हैं, अब हमारा वो प्रोग्राम भी पोस्टपोन हो गया है। तो इंशाल्लाह जब भी जाएंगे, उम्मीद है इसी मंथ में जाएंगे, तो मैं आप लोगों के साथ वो वीडियोज़ भी शेयर करूँगी। इतना मज़ा आता है ना, सब बच्चे इतना एंजॉय करते हैं स्विमिंग पूल में। तो ये देखें, ये नीचे से खीर बन के आ गई थी, और खीर आयशा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब खीर मैंने देखी ना मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि हम लोगों ने मीठा ज़रूर खाना होता है। अगर ये खीर नहीं आती तो फिर मुझे इंस्टेंट मीठा बनाना ही पड़ता है, क्योंकि खाने के बाद ना हम लोग ज़रूर मीठा खाते हैं। और जब कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं बना सकती हूँ, तो फिर मैं वो ना सेवइयां बना लेती हूँ। आपको पता ही है ना, सेवइयां बॉईल करके और साथ में मैं बादाम चॉप कर लेती हूँ, क्रश कर लेती हूँ, और सेवइयों में देसी घी लगा के ऊपर जिसका दिल चाहता है चीनी डाल लेता है और जिसका दिल चाहता है शक्कर डाल लेता है। खैर, ये खीर आ गई थी तो फिर हम लोगों ने ना डिनर में ये खीर खा ली थी। आयशा और मोहम्मद कासिम ने ना बर्गर खाने से पहले ही खा ली थी खीर, तो जबकि हम सब ने ना बर्गर्स के बाद खाई थी। ये देखें जी, कितने मज़े के बर्गर रेडी हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।